जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम सेंटेंसेस को कैसे सिंथेसाइज किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। ये तो हम जानते हैं कि सिंथेसिस का मतलब होता है कि सेंटेंसेस को कॉम्बाइन करना, और सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्बाइन करके सिंपल सेंटेंस भी बन सकता है, कॉम्पाउंड सेंटेंस भी बन सकता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बन सकता है। हम सिंथेसिस के रूल्स के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और अब हम स्टेप बाय स्टेप उन रूल्स को एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। आज हम पार्टिसिपल्स के साथ सेंटेंसेस को सिंथेसाइज करेंगे, और पार्टिसिपल्स जो होते हैं ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो किसी टेंस या सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होते, तो इनका कोई सब्जेक्ट नहीं होता और टेंस नहीं होता। और ये जो पार्टिसिपल्स हैं इनकी थ्री फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये आईएनजी लगाकर बनाया जाता है। जैसे कोई वर्ब है टू सी, तो उसका जो पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल सीइंग बनेगा, जिसका अर्थ है देखकर या देखते हुए। अदरवाइज जब हम इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं तो क्या बनता है, ही इज सीइंग, तो वो देख रहा है, परंतु यहाँ पर देखकर या देखते हुए। इसी तरह से सीन, देखा, हैविंग सीन, जब देख चुका था। तो ये तीन फॉर्म्स हैं पार्टिसिपल्स की, तो हम इन तीनों फॉर्म्स को आज डिस्कस करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप किस तरह से सेंटेंसेस को सिंथेसाइज किया जाता है वो हम अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब सेंटेंस देखते हैं, जैसे ही जंप्ड अप, उसने छलांग लगाई, ही रैन अवे, वो दौड़ गया। हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पर सब्जेक्ट दोनों सेंटेंसेस में एक ही है, और जो वर्ब्स हैं दोनों सेंटेंसेस में अलग अलग हैं, और जो काम पहले हुआ उस वर्ब का हम पार्टिसिपल बनाएंगे। पहले क्या काम हुआ, ही जंप्ड अप, पहले उसने छलांग लगाई, ही रैन अवे, बाद में वो भागा। और दूसरी बात ये है कि इन दोनों कामों में कोई ज़्यादा टाइम इंटरवल नहीं है, उसने छलांग लगाते ही वो भाग गया। तो जब कोई टाइम इंटरवल ना हो तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे, जंप वर्ब का पार्टिसिपल बनाएंगे, जंपिंग अप। इसमें हम ही क्यों नहीं लगा रहे, ये भी हम डिस्कस करते हैं। जंपिंग अप, ही रैन अवे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट दोनों का क्योंकि एक ही है, ही, वह, तो हमने एक बार ही इसको यूज़ किया, तब भी जो सेंटेंस है उसकी पूरी सेंस बन गई, उसका पूरा मतलब बन गया। जंपिंग अप, छलांग लगाते ही वह भाग गया। तो अब हमें दो बार ही यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक बार ही जो प्रोनाउन है इसको यूज़ करेंगे, और ये हमारे सेंटेंस की सेंस जो है वो पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया है, जंपिंग अप, ही रैन अवे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब हम जंपिंग अप लिखेंगे तो यहाँ कॉमा ज़रूर लगाना है, ताकि जो सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंस दे। अगर हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। जंपिंग अप, छलांग लगाते ही, थोड़ा सा रुकेंगे, ही रैन अवे, वो भाग गया। अब और सेंटेंस देखते हैं, ही वॉज टायर्ड ऑफ वर्क, ही सैट डाउन टू रेस्ट। यहाँ दोनों सेंटेंसेस में भी सब्जेक्ट सेम है, और यहाँ पर वर्ब्स अलग अलग हैं, ही वॉज टायर्ड, और यहाँ पर ही सैट डाउन, सैट वर्ब है। तो जब हम इनको सिंथेसाइज करेंगे, तो जब इज, एम, आर और वाज, वर, जब इन शब्दों के साथ सिंथेसाइज किया जाता है तो बींग का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर भी ही का इस्तेमाल हम एक बार ही करेंगे, बींग टायर्ड ऑफ वर्क, ही सैट डाउन टू रेस्ट। काम से थक कर वो आराम करने बैठ गया। जब हम दो सेंटेंसेस को सिंथेसाइज करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि जो सब्जेक्ट है अगर एक बार यूज़ हो सकता है और उसकी सेंस निकलती है तो हम एक बार ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर और सेंटेंस देखते हैं, ही हैज़ फेल्ड, ही हर्ड द न्यूज़, ही फेंटेड।
यहाँ पर तीन छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं और इन तीनों में सब्जेक्ट एक ही है, ही, वह, उसकी बात हो रही है। ही हैज़ फेल्ड, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाक्य है। ही हर्ड द न्यूज़, वो फेल हो चुका है। ही हर्ड द न्यूज़, उसने खबर सुनी। ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया। अब सबसे पहले क्या काम हुआ, सबसे पहले उसने खबर सुनी, क्या खबर सुनी कि वो फेल हो गया है और फिर वो फेंट हुआ। तो हम पहले वो वाक्य लिखेंगे जो सबसे पहले हुआ। यहाँ पर ही हर्ड द न्यूज़, ये वाक्य पहले आएगा क्योंकि ये काम पहले हुआ। हियरिंग द न्यूज़, अब हर्ड जो शब्द है इसका हमने पार्टिसिपल बनाया हियरिंग। हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज फेलियर, नाउ ही हैज़ फेल्ड। अब यहाँ पर क्या मॉडिफिकेशन क्या करनी पड़ती है, सेंटेंस को कैसे बदलना पड़ता है, हम प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं नाउन के साथ। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है, हियरिंग द न्यूज़, हमने उसने खबर सुनी, किस चीज़ की खबर सुनी, अपने फेलियर की, ऑफ हिज फेलियर। तो यहाँ पर हमने प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ किया, ये उसके बाद ये नाउन का यूज़ किया, ही हैज़ फेल्ड, यहाँ पर ये वर्ब था तो यहाँ पर हमने नाउन का यूज़ किया, ऑफ हिज फेलियर। जब हमने प्रेपोजिशन यूज़ की तो यहाँ पर नाउन लगाया। ही हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज फेलियर, अपने फेलियर की न्यूज़ सुनकर ही फेंटेड। जब तीसरा सेंटेंस वैसे ही लिख देंगे, इस तरह से ये तीनों सेंटेंसेस सिंथेसाइज करके एक सेंटेंस बन गया। इसके जो सेंटेंस की जो सेंस है वो सेम रही। और सेंटेंस देखते हैं, द पीपल सॉ द फ्लेम्स, लोगों ने फ्लेम्स देखे यानी आग की लपटें उठती हुई देखी। दे रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, वे जल रहे घर की तरफ भागे। अब इन दोनों को हमने सिंथेसाइज करना है, इन दोनों का एक ही वाक्य बनाना है। यहाँ पर सब्जेक्ट है द पीपल, लोग, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दे, ये भी सेम है, यानी ये नाउन है और ये प्रोनाउन है, ये भी लोग ही हैं, यहाँ भी लोग ही हैं। तो वर्ब्स जो हैं यहाँ पर अलग हैं, सॉ और रैन। अब इनको हमने सिंथेसाइज करना है। सबसे पहले देखेंगे कि पहला काम क्या हुआ, पहला काम उन्होंने आग की लपटें देखीं और फिर उसके बाद वे तुरंत भागे, यानी उन्होंने टाइम ख़राब नहीं किया, एकदम से भागे। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, सीइंग द फ्लेम्स, सॉ, हमने पास्ट में ये वर्ब नहीं यूज़ करना है, पहले इसको सिंपल वर्ब देखेंगे कौन सा वर्ब है, ये टू सी वर्ब है, तो टू सी का जो पार्टिसिपल है वो सीइंग होगा। सीइंग द फ्लेम्स, आग की लपटों को देखकर, द पीपल रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, लोग जल रहे घर की तरफ भागे। अब यहाँ पर फिर से देखते हैं कि आगे ये कैसे लिखा है, दे रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। अब यहाँ पर दे था, आप कहेंगे दे कहाँ गया, दे कहीं नहीं गया, ये सेम ही इसका मतलब है, हमने एक ही शब्द इस्तेमाल किया, या ये, इन दोनों में से एक कर सकते हैं, जब दोनों में से एक करना हो तो हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं। सीइंग द फ्लेम्स, आग की लपटों को देखकर, द पीपल रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, यहाँ पर हमने दे जो है इसको छोड़ दिया क्योंकि इसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम सिंथेसाइज करते हैं तब हमें कुछ शब्द छोड़ने पड़ते हैं या फिर सेंटेंस को अलग तरह से मॉडिफाई करना पड़ता है, अलग तरह से बनाना पड़ता है। और सेंटेंस देखते हैं, ही फिनिश्ड द वर्क, ही वेंट होम, उसने अपना काम ख़त्म किया और वो घर चला गया, ही वेंट होम। अब इसमें उसने पहले क्या किया, काम ख़त्म किया, सब्जेक्ट्स दोनों के एक ही हैं, काम ख़त्म किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक सेकेंड में वो घर की तरफ दौड़ गया, हो सकता है वो काम ख़त्म करके कुछ देर बैठा हो, उसने रेस्ट किया हो, तो यहाँ पर टाइम गैप है क्योंकि एकदम से कोई काम ख़त्म करके भागने नहीं लग जाता कि मैं अब घर की तरफ भागूँ, थोड़ा रेस्ट भी कर सकता है, कुछ खा पी सकता है,
तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा टाइम गैप है, और जब टाइम गैप होता है तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हैविंग फिनिश्ड लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम गैप है। हैविंग फिनिश्ड द वर्क ही वेंट होम, काम ख़त्म करने के बाद वो घर चला गया। यहाँ पर हमने परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या लगता है? हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हैविंग फिनिश्ड, पहला काम क्या हुआ? उसने काम ख़त्म किया। हैविंग फिनिश्ड द वर्क, तो उसके बाद अगला सेंटेंस हम वैसे ही लिख देंगे। अगला वाक्य देखते हैं। ही वॉज हंग्री, ही टुक हिज फूड, वो भूखा था उसने अपना खाना खाया। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट एक ही है और वर्ब्स जो हैं अलग अलग हैं। तो अब उसको भूख लगी थी तो उसने जल्दी से खाना खाया, यानी ज़्यादा टाइम गैप नहीं था। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर लेते हैं। ही वॉज हंग्री, उसे भूख लगी थी, ही टुक हिज फूड। बीइंग हंग्री, ही टुक हिज फूड, भूख लगी थी तो उसने खाना अपना खाना खा लिया। अब यहाँ पर भी ही दो बार यूज़ हुआ है, यहाँ पर एक बार ही यूज़ हुआ है। बाकी सेंटेंस के जो पूरे वर्ड्स हमने वैसे ही यूज़ किए हैं। दूसरा सेंटेंस जो है ये हमने पूरा वैसे ही लिख दिया है। और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। ही वॉज डेफ, वो सुन नहीं सकता था, बहरा था। डेफ होता है बहरा। ही वॉज कैरिंग अ बुक इन हिज हैंड, वो अपने हाथ में एक किताब लेकर चल रहा था। अब यहाँ पर तीन सेंटेंसेस हैं। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि इनको एक कैसे बनाना है, हमें मुश्किल लगता है। इसमें मुश्किल की कोई बात नहीं है। सबसे पहले देखेंगे कि जो सब्जेक्ट्स हैं, पहला सब्जेक्ट आई है और बाद में ही की बात हो रही है, दोनों सब्जेक्ट्स ही हैं। यानी मैंने एक आदमी देखा, आई सॉ अ मैन, ये मैन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मैन ऑब्जेक्ट है, और यहाँ का ऑब्जेक्ट अगले सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया। ही वॉज डेफ, मैंने एक आदमी देखा वो बहरा था। ही वॉज कैरिंग अ बुक इन हिज हैंड, अपने हाथ में किताब लेकर चल रहा था। जब ऐसे वाक्यों को सिंथेसाइज करना हो तो हम कुछ शब्द या कुछ वाक्य हटा भी सकते हैं और कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे कि सेंटेंस ठीक बने और उसका मतलब ना बदले। अब सबसे पहले हम किस सेंटेंस को हटा सकते हैं? जहाँ पर जो वॉज जो है ये मेन वर्ब है, तो जो जहाँ पर इज, एम, आर या वॉज वर मेन वर्ब्स हों, उस सेंटेंस को हम आराम से हटा सकते हैं। तो क्या बन जाएगा? आई सॉ अ मैन, ही वॉज डेफ। तो आई सॉ अ डेफ मैन, मैंने एक आदमी देखा वो बहरा था। आई सॉ अ डेफ मैन, मैंने एक बहरा आदमी देखा। ही वॉज कैरिंग अ बुक इन हिज हैंड, अब ये फिर से सेम सब्जेक्ट दोबारा आ गया। तो कैरिंग का पार्टिसिपल भी वही यही बनेगा, कैरिंग अ बुक इन हिज हैंड। अब यहाँ पर कोई कॉमा नहीं लगेगा। आई सॉ अ डेफ मैन कैरिंग अ बुक इन हिज हैंड, मैंने एक बहरा आदमी देखा जो अपने हाथ में किताब ले जा रहा था। अब ये तीनों सेंटेंसेस का हमने एक सेंटेंस बनाया। आई सॉ अ मैन, यहाँ पर जो ये उसकी विशेषता है इसको हमने नाउन के पहले ही लगा दिया, वो बहरा था, मैंने बहरा आदमी देखा। कैरिंग अ बुक इन हिज हैंड, यहाँ पर कैरिंग जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये लगा दिया। सेंटेंस देखते हैं। राम वॉज डिफीटेड बाई हिज फ्रेंड, राम अपने फ्रेंड के द्वारा हरा दिया गया। ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, वो बहुत निराश हुआ। अब यहाँ पर राम वॉज डिफीटेड बाई हिज फ्रेंड, ये पैसिव वॉइस है, वॉज डिफीटेड, तो ये क्या है? ये एक्टिव वॉइस नहीं है। इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? हिज फ्रेंड डिफीटेड राम, तो ये पैसिव वॉइस है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? राम। He was very disappointed. अब disappoint कौन हुआ, निराश कौन हुआ? राम disappoint हुआ या उसका friend disappoint हुआ? Disappoint होता है निराश। निराश कौन हुआ? जो हार गया,
अब कौन हारा? ये राम वॉज डिफीटेड, तो ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, इसका मतलब जो राम है वो बहुत निराश हो गया। ही किसके लिए है? उसके लिए है जो हार गया। तो कौन हारा था? यहाँ पर राम हारा था, तो इसलिए ही का प्रयोग राम के लिए किया गया है। जब मेन बात जो है वो पैसिव वॉइस में हो, तो जब उनको सिंथेसाइज करना होता है सेंटेंसेस को, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमने पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस बनाया है, हैविंग बीन डिफीटेड बाय हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड द्वारा हराए जाने के बाद राम वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, राम बहुत निराश हुआ। अब यहाँ पर राम हमने क्यों लिखा है? क्योंकि डिफीट कौन हुआ था? राम हुआ था। तो यहाँ पर हैविंग बीन डिफीटेड, ये क्या है? हैविंग बीन, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये हमने पैसिव वॉइस में ही लिखा है। जैसे यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में टेंस जो वाक्य था, यहाँ भी हमने पैसिव वॉइस में ही लिखा है, हैविंग बीन डिफीटेड बाय हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड द्वारा हराए जाने के बाद। तो यहाँ पर हैविंग के साथ बीन का प्रयोग होगा जब पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस बनाया जाता है। हैविंग बीन डिफीटेड बाय हिज फ्रेंड राम वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। और सेंटेंस देखते हैं, राजेश सॉ अ मैन, राजेश ने एक आदमी देखा, ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट, वो सिगरेट पी रहा था। अब यहाँ पर सिगरेट कौन पी रहा है? वो जो आदमी देखा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन गया है। तो ये किसने देखा? राजेश ने। राजेश जो है, यहाँ पर राजेश सब्जेक्ट है, यहाँ पर ही किसके लिए है? राजेश के लिए या उस आदमी के लिए जो सिगरेट पी रहा था? ये ही जो है ये राजेश के लिए नहीं है। राजेश सॉ अ मैन, राजेश ने आदमी देखा। अब ये जो अगला ही है, ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट, ये जो ही है ये ऑब्जेक्ट के लिए है, इस उस आदमी के लिए है जो राजेश ने देखा, वो आदमी सिगरेट पी रहा था। अब इनको हम सिंथेसाइज करेंगे, राजेश सॉ अ मैन स्मोकिंग अ सिगरेट। अब राजेश सॉ अ मैन स्मोकिंग अ सिगरेट, यहाँ पर स्मोकिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, स्मोकिंग अ सिगरेट। यहाँ पर ही वॉज हमने हटा दिया, क्योंकि उसके बदले कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है? ये अ मैन, ये नाउन का इस्तेमाल किया है, तो इसको प्रोनाउन को दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बनेगा? राजेश सॉ अ मैन, राजेश ने एक आदमी देखा जो सिगरेट पी रहा था, यहाँ पर कोई कॉमा नहीं लगेगा। आगे सेंटेंस देखते हैं, शी वेंट टू द गार्डन शी प्लक्ड फ्लावर्स, वो बाग में गई उसने फूल तोड़े। अब इन दोनों सेंटेंसेस को सिंथेसाइज करना है, सब्जेक्ट एक ही है और यहाँ पर वर्ब्स अलग अलग हैं, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में सिंथेसाइज होगा। तो जब प्रेजेंट पार्टिसिपल में सिंथेसाइज करना है, तो शी वेंट, पहला काम क्या किया? वो बाग में गई। अब वेंट की पहले हम फर्स्ट फॉर्म देखेंगे, गो, गो का पार्टिसिपल क्या है? गोइंग, गोइंग टू द गार्डन शी प्लक्ड फ्लावर्स, बाग में जाते हुए उसने फूल तोड़े। अब यहाँ पर गोइंग किस तरह से लगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो गई और जाते ही उसने फूल तोड़े, तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल गो का, गोइंग का इस्तेमाल किया, गोइंग टू द गार्डन शी प्लक्ड फ्लावर्स, अगला सेंटेंस वैसे ही लिख दिया। और सेंटेंस देखते हैं, द थीफ सॉ द पुलिस मैन, चोर ने पुलिस का आदमी देखा, ही रैन अवे, वो भाग गया। अब कौन भागा? कौन भागा? चोर भागा या पुलिसमैन भागा? चोर भागा, ये अंडरस्टूड है। तो ये जो ही है ये पुलिसमैन के लिए या थीफ के लिए है? ये जो ही है ये चोर के लिए है, ये अंडरस्टूड होता है, जो कॉमन सेंस से हम सोच सकते हैं कि कौन भागा? चोर भागा, तो द थीफ के लिए ये ही का इस्तेमाल हुआ है, द थीफ सॉ द पुलिसमैन, ही रैन अवे। अब इनको हमने सिंथेसाइज करना है, यहाँ पर द थीफ है सब्जेक्ट और यहाँ पर ही, इसका मतलब सब्जेक्ट सेम है, यहाँ भी चोर की बात हो रही है, यहाँ भी चोर की बात हो रही है। तो इन दोनों को हमने सिंथेसाइज कैसे करना है? यानी देखते ही वो भागा, तो पहला काम क्या किया उसने? उसने पुलिस वाले को देखा, सॉ,
सॉ का वर्ब होता है सी, तो इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा सींग, सींग द पुलिसमैन, पुलिस के आदमी को देखते ही। द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया। थीफ को हमने एक बार ही इस्तेमाल किया, जो ही था जो थीफ के लिए प्रोनाउन यूज किया था उसको हम दोबारा यूज नहीं करेंगे, द थीफ एक बार ही इस्तेमाल करेंगे। अब हमें ये सेंटेंस समझने के बाद ही हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। अगर हम इसको गलत लिख दें, सीइंग द थीफ द पुलिसमैन रैन अवे, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, चोर को देखकर पुलिस वाला भाग गया। तो इसलिए हमें सेंटेंस को समझना होगा, सीइंग द पुलिसमैन, पुलिसमैन को देखते ही द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया। और सेंटेंस देखते हैं, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम ही वेंट अवे, नौकर ने कमरे में झाड़ू लगाया वो चला गया। अब झाड़ू लगाकर ये ज़रूरी नहीं कि वो एकदम से दौड़ गया, हो सकता है उसने कुछ रेस्ट किया हो, तो टाइम गैप हो सकता है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, हैविंग स्वेप्ट द रूम द सर्वेंट वेंट अवे। यहाँ पर सब्जेक्ट है सर्वेंट और यहाँ पर ही, ये दोनों सब्जेक्ट्स एक ही हैं, ये नाउन है और यहाँ पर प्रोनाउन है। सर्वेंट ने कमरा साफ किया, कमरे में झाड़ू लगाया, ही वेंट अवे वो चला गया। हैविंग स्वेप्ट द रूम, कमरे में झाड़ू लगाने के बाद द सर्वेंट वेंट अवे, नौकर चला गया, बेशक वो कुछ देर बाद गया हो। इसलिए यहाँ पर हैविंग के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, ये परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया। जहाँ पर टाइम गैप होता है वहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। आशा है आपको अब सेंटेंसेस को सिंथेसाइज करना आसान लग रहा होगा। और एग्जांपल देखते हैं, जैक वेंट अप द हिल, जैक पहाड़ी के ऊपर गया। ही सॉ अ फ्लैग, उसने एक झंडा देखा। गोइंग अप द हिल, जैक सॉ अ फ्लैग, पहाड़ी के ऊपर जाते हुए जैक ने एक झंडा देखा, झंडे पर तुरंत नज़र पड़ गई। तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया, यहाँ पर जो सब्जेक्ट क्या था, जैक, यहाँ पर ही, ये भी जैक के लिए, ये नाउन है ये प्रोनाउन है। अब पहला काम क्या हुआ कि वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ा, तो वहाँ पर उसने एक झंडा तुरंत देख लिया। गोइंग अप द हिल, पहाड़ी पर चढ़ते हुए जैक ने एक झंडा देखा। और सेंटेंस देखते हैं, द पुअर मैन वर्क्ड, गरीब आदमी काम करता था। ही लाफ्ड, वो हंसता था। ही दस स्पेंट हिज लाइफ, इस तरह से वो ज़िंदगी गुजारता था। यहाँ पर दस, दस का मतलब है इस तरह से वो ज़िंदगी गुजारता था। ये तीन सेंटेंसेस हैं। अब तीन सेंटेंसेस में द पुअर मैन ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर ही और यहाँ पर ही, यानी तीनों सेंटेंसेस में इंसान एक ही है, द पुअर मैन, और ये दोनों प्रोनाउंस हैं। यहाँ पर वर्ब है वर्क्ड, यहाँ पर लाफ्ड, और यहाँ पर ही दस स्पेंट हिज लाइफ, ये वर्ब्स अलग अलग हैं। अब यहाँ पर इनको जब सिंथेसाइज करना है तो कैसे करेंगे, तो इसका हम क्या बनाएंगे, वर्किंग एंड लाफिंग, द पुअर मैन स्पेंट हिज लाइफ। वर्क का पार्टिसिपल बना दिया वर्किंग, लाफ का पार्टिसिपल बना दिया एंड लाफिंग, ये सेंटेंस ख़त्म हो गया। एक लाफिंग लिखकर ये सेंटेंस ख़त्म हो गया। ही यहाँ से ज़रूरत नहीं है बार बार हमें सब्जेक्ट को रिपीट करने की। वर्किंग एंड लाफिंग, द पुअर मैन, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर लिख दिया, स्पेंट हिज लाइफ। ही दस, ये जो शब्द है दस, THUS, दस का मतलब होता है इस तरह से, कैसे, वर्किंग एंड लाफिंग, द पुअर मैन स्पेंट हिज लाइफ। अब जब हमने ये वाक्य लिखा तो हमने यहाँ पर दस का प्रयोग नहीं किया, THUS दस, जब हमने सिंथेसाइज किया तो यहाँ पर हमने दस का प्रयोग नहीं किया। वर्किंग एंड लाफिंग, द पुअर मैन स्पेंट हिज लाइफ। जब हमने ये दो वर्ब्स के साथ ing लगाया, पार्टिसिपल्स दो बार यूज़ किए, बीच में हमने कंजंक्शन एंड यूज़ कर लिया, तो ये एक फ्रेज बन गया छोटा सा, वर्किंग एंड लाफिंग, द पुअर मैन स्पेंट हिज लाइफ। ये छोटा सा फ्रेज बना दिया दो पार्टिसिपल्स को जोड़कर, एंड के साथ जोड़कर।
तो ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ और इसका मतलब वही है जो ये इन तीनों सेंटेंसेस का है। और सेंटेंस देखते हैं, द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन, बच्चे ने अपना पेन खो दिया। ही बिगैन टू वीप, वो रोने लगा। अब पेन खोने के बाद वो एक सेकेंड में नहीं रोने लगा, क्योंकि पेन खोने के बाद उसने उसे ढूंढा भी होगा, काफ़ी गैप है। फिर उसके बाद वो रोने लगा, जब उसे नहीं मिला तब वो रोने लगा, तो इसमें गैप है। तो यहाँ पर पहले देखते हैं सब्जेक्ट्स कौन से हैं, द चाइल्ड, और यहाँ पर ही किसके लिए, चाइल्ड के लिए, ये नाउन है और ये प्रोनाउन है। और यहाँ पर वर्ब्स अलग अलग हैं, लॉस्ट और बिगैन। अब पहला काम क्या हुआ, पहला काम हुआ उसने पेन को खो दिया, पेन गुम कर दिया। हैविंग लॉस्ट हिज पेन, पेन खो देने के बाद द चाइल्ड बिगैन हिज टू वीप, बच्चे ने रोना शुरू किया, यानी काफ़ी उसने ढूंढा उसके बाद रोना शुरू किया। तो यहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी टाइम गैप है तो परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। इस तरह से आप भी छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो आप बड़े सेंटेंसेस भी बना सकेंगे, इनकी प्रैक्टिस करते जाएं। ही वॉज डिस्गाइज्ड एज अ सेंट, उसने संत का भेष बनाया हुआ था। ही एस्केप्ड टू नेपाल, वो नेपाल बचकर भाग निकला। अब ही जो है सब्जेक्ट एक ही है, ही वॉज डिस्गाइज्ड, यहाँ पर ये पैसिव वॉइस नहीं है क्योंकि ये उसने खुद ही अपना भेष बनाया हुआ है। यहाँ पर डिस्गाइज्ड हमने एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया है क्योंकि ये पैसिव वॉइस नहीं है। ही एस्केप्ड टू नेपाल, वो नेपाल की तरफ भाग लिया। अब यहाँ पर पहला काम क्या किया, उसने अपना भेष बदला और तुरंत नेपाल की तरफ भाग लिया। डिस्गाइजिंग एज ए सेंट, संत की तरह भेष बदल कर ही एस्केप्ड टू नेपाल, वो नेपाल की तरफ बच कर निकल गया। यहाँ पर डिस्गाइज शब्द को हमने लिया, डिस्गाइज का पार्टिसिपल है डिस्गाइजिंग, एज अ सेंट, यहाँ पर ही वॉज जो है, जो सब्जेक्ट को बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डिस्गाइजिंग एज ए सेंट ही हमने एक बार ही यूज़ किया है। ही एस्केप टू नेपाल, जब हमने बीच में यूज़ कर लिया तो हमें बार बार दो बार इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्गाइजिंग एज ए सेंट, संत की तरह वेश बदल कर वह नेपाल की तरफ बचकर भाग लिया। आगे सेंटेंस करते हैं, टर्न टू द लेफ्ट, बाईं ओर मुड़ जाओ, यू विल देन फाइंड द हाउस, तब आपको घर मिल जाएगा। अब ये कौन सा सेंटेंस है, टर्न टू द लेफ्ट, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है और यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, परंतु यहाँ पर बेशक सब्जेक्ट नहीं है फिर भी ये कॉमन सेंस से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी यू है, ठीक है। सब्जेक्ट इसका मतलब सेम ही है, बेशक यहाँ लिखा नहीं हुआ, छिपा हुआ है सब्जेक्ट। टर्न टू द लेफ्ट मतलब बाईं तरफ मुड़ जाओ, कि आप बाईं तरफ मुड़ जाओ, यू विल देन फाइंड द हाउस, तब आपको घर मिल जाएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट छिपा हुआ है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब इनको हमने दोनों को सिंथेसाइज करना है, क्या क्या बनेगा। पहले हमें क्या करना है, पहले लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा फिर घर मिलेगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, टर्निंग टू द लेफ्ट, टर्न, टर्न का जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है टर्निंग टू द लेफ्ट। फिर आगे हमने सब्जेक्ट एक ही बार यूज़ कर लिया, यू विल फाइंड द हाउस, यू विल, यहाँ पर देन फाइंड द हाउस है, तब आपको घर मिलेगा, तो यहाँ पर देन लगाने की ज़रूरत नहीं है, यू विल फाइंड द हाउस। टर्निंग टू द लेफ्ट, बाएं मुड़ोगे तो आपको घर मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्या था, बाएं मुड़ोगे तुम्हें तब घर मिलेगा, परंतु जब हमने इनको जोड़ दिया तब देन लगाने की ज़रूरत नहीं है। टर्निंग टू द लेफ्ट, यहाँ कॉमा लगाना है, यू विल फाइंड द हाउस, आपको घर मिल जाएगा। शी लॉस्ट हर बुक, शी सर्च्ड फॉर इट, उसने अपनी किताब खो दी, वो उसे ढूंढ रही थी। अब यहाँ पर किताब खो दी, उसके बाद वो ढूंढ रही थी, तो हैविंग लॉस्ट हर बुक, पहले किताब खोई, किताब खो देने के बाद शी सर्च्ड फॉर इट, ये हमने
परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया, हैविंग लॉस्ट हर बुक शी सर्च्ड फॉर इट। यहाँ पर सब्जेक्ट को एक बार ही यूज़ किया। और सेंटेंस देखते हैं, ही रेज्ड हिज गन, ही टुक एम, ही शॉट द टाइगर। ये तीन सेंटेंसेस हैं, सब्जेक्ट तीनों में एक ही है। उसने अपनी बंदूक उठाई, ही टुक एम, उसने निशाना लगाया, ही शॉट द टाइगर, उसने टाइगर को गोली मारी। अब यहाँ पर पहला काम क्या किया, बंदूक उठाई, रेज्ड, तो इसका क्या बनेगा पार्टिसिपल, रेजिंग। तुरंत ही ये काम हुए हैं साथ साथ, रेजिंग हिज गन, अपनी गन को उठाकर, एंड टेकिंग एम, एंड और उसके साथ ही निशाना लगाकर, ही शॉट द टाइगर, उसने टाइगर को मारा, रेजिंग हिज गन। यहाँ पर भी हमने पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया, एंड टेकिंग एम, बंदूक उठाकर और निशाना लगाकर, ही शॉट द टाइगर, उसने टाइगर को शूट किया। यहाँ पर हम पास्ट पार्टिसिपल के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई फाउंड माई पेन, मुझे अपना पेन मिल गया, इट वॉज लॉस्ट, यह चोरी हो गया, यह खो गया था। जब एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, यहाँ इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पेन है और यहाँ ये सब्जेक्ट बन गया इट, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, और ये पैसिव वॉइस है, इट वॉज लॉस्ट, ये खो गया था। तो जब हम इनको सिंथेसाइज करते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मुझे अपना खोया हुआ पेन मिल गया। यहाँ पर लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, यहाँ पर जो लॉस्ट है ये थर्ड फॉर्म है, ये हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, पास्ट पार्टिसिपल बनाया। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। इसी तरह से ही वॉज फ्लाइंग अ काइट, वो पतंग उड़ा रहा था, इट वॉज टॉर्न, ये फटी हुई थी। अब यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में है, ये जो काइट है ऑब्जेक्ट, ये यहाँ का सब्जेक्ट बन गया। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए और वो पैसिव वॉइस में हो तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। ही वॉज फ्लाइंग अ टॉर्न काइट, वो एक फटी हुई पतंग उड़ा रहा था। इस तरह से हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को कंबाइन करके बड़े सेंटेंसेस बना सकते हैं, इसमें कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। आप भी इस तरह से सेंटेंसेस बनाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगले वीडियोस में हम सिंथेसिस के दूसरे रूल्स भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, स्टे ब्लेस्ड।